हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज वाणी एंड आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ, जो कि आपको हेल्प करेगा यूट्यूब जब भी आप चलाते हो तो कहीं ऐसे फ्रॉड में आप फंस ना जाओ। तो आपको पहले से पता होगा कि नहीं, ये चीज हमें नहीं करनी है, ये फ्रॉड है। क्योंकि आजकल के जो डिजिटल जमाना चल रहा है और हम लड़कियों को, बहुत सारे बॉयज को भी, लड़कों को भी किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है और हम आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीजें परचेस करते हैं, तो हम हमेशा ऐसी साइट या ऐप के बारे में सर्च करते हैं या फिर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर अच्छी खासी बजट में चीजें, कम रेट में चीजें अच्छी मिल जाए। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है और हम ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जो हमें सस्ते में मिल जाए और अच्छी भी हो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो है ना, आपको फुल अवेयर करने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि कई बार हम इन सब चक्करों में फंस जाते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ से चीजें लेनी है, या कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और मैं बहुत ज्यादा दंग रह गई कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा फ्रॉड होता है और हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे फंस चुके होंगे और आप लोग में से कोई है जो देखते हैं, सोच रहे हैं ऐसी चीजें लेने की या फिर देखने की, तो बिल्कुल आप मत करना। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, इतनी मेहनत से पैसे आते हैं और लोग इस तरीके से फ्रॉड करके आपसे ले लेते हैं। तो चलो आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। और कोई भी आज फैशन वीडियो और मैंने कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ पर नहीं शेयर करने वाली हूँ, बस ये एक छोटा सा नॉलेज देने के लिए वीडियो है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए है। तो बस मैं शौक रह गई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हुआ क्या मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी आप YouTube ओपन करते हो ना, तो आपके सामने इस तरीके से कुछ एड्स आती हैं। जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो ना, तो कुछ एड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं है ना, मैंने मेरे साथ एक पहले आपको आपके साथ कुछ शेयर कर देती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा था, जब भी मैं यूट्यूब ओपन करती थी ना, तो स्क्रॉल करने पे मुझे एड्स नज़र आती थी। लाइक 799 में आपको ये कुर्ता सेट मिल रहा है, 799 में आपको 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, साड़ियाँ मिल रही है। लाइक हम लड़कियों का एक क्रेज़ होता है ना इन सब चीज़ों का, तो हम एक बार देख लेते हैं भाई इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। तो आपको डायरेक्ट ये ऐड दिखाई जाएगी यूट्यूब की तरफ से। अब पता नहीं ये लोग कुछ मतलब ऐड करने के लिए पैसे वगैरह यूट्यूब को देते होंगे, तो यूट्यूब यहाँ पर डायरेक्ट ऐड लगा देता है उनका। जब भी कोई यूट्यूब खोलेगा तो उसको इस तरीके का थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ ऐड दिख रहा है, आप देख पा रहे हो साड़ियों का ऐड है। और मैंने इसकी साइट में डायरेक्ट मैं अंदर तक गई, आप देख पा रहे हो कितनी सस्ती में साड़ियाँ ये लोग दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम रेट में डिज़ाइनर साड़ियाँ मिल रही हैं, आप देख पा रहे हो। आप इमेजिन कर सकते हो इतनी अच्छी चीज़ इतनी कम रेट में। मेरा दिमाग मतलब कहाँ गया था, घास चरने गया था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इतनी अच्छी चीज़ें जो ये दिखा रहे हैं, क्या ये सच में रियल में इतने कम प्राइस में मिल सकती है। तो यही मैं सब सोच रही थी और इस तरीके से स्क्रॉल करे जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि एक बार मंगा कर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 799 में आपको 3 कुर्ता सेट मिल रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर 599 भी लिखा हुआ आ रहा है इस तरीके से। और ये कुर्ती देखिए, आपको देखने से लग रहा है कि 599 में यहाँ पर मिलेगी, मुझे लगता है कि एक कुर्ती भी 599 में नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर लोग फिसल जाते हैं, एक बार देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जब भी यूट्यूब ओपन करोगे, इस तरीके से डायरेक्ट आपको ऐड देखने को मिल जाएगी। अब भगवान जाने उन लोगों का कुछ, जैसे कि हम अपनी किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का कहते नहीं, ऐड करवाना चाहते हैं तो किसी बड़ी ऐप वगैरह को चूज़ करते हैं और उससे हम अपनी ऐड करवाते हैं। तो शायद यही यूट्यूब को शायद नहीं पता होगा इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं ये लोग और पैसे अपने इस तरीके से ये लोग ऐडते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी जो वेबसाइट या ऐप्स होती है वो गलत है, बट बहुत सारी ऐसी साइट और ऐप हैं जो आपके साथ फ्रॉड करती हैं। और थोड़ा समझदार इंसान होगा ना, तो वो खुद ही समझ जाएगा कि हम थोड़े से पैसे के चक्कर में इतना ज़्यादा हम ठग जाते हैं कि जो मतलब कहते हैं एक ही, चलो ठीक है आपने 3 मुझे नहीं भेजे, बट कम से कम एक तो अच्छा भेज देते तो मुझे संतुष्टि होती, हाँ चलो ठीक है एक अच्छा है। हुआ क्या कि मैंने इसी तरीके से एक
वो देखी, एड देखी इसी तरीके की, और मैं अंदर गई। मैंने सोचा देखते हैं यार, 3 दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है 799 में। अब मैंने अंदर गई और वहाँ पर मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। सिर्फ ऑर्डर करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन रहता है और कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं है, रिव्यू देने का भी नहीं है, ना ही कोई कमेंट या फिर कुछ भी वहाँ पर करने का ऑप्शन नहीं होता। बस आपको प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना होता है, अपने एड्रेस नंबर वगैरह देना होता है, उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो और या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। वैसे मुझे भरोसा नहीं था इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी भी करी। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद प्रोडक्ट मेरे घर में आया, मैंने उसके पैसे पे कर दिए। एक बार तो डिलीवरी वाला बहुत नाटक कर रहा था कि आपको मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था, तो नाटक कर रहा था। कोई कोई ऐसे होते हैं कि नहीं मैम आप कैश दे दो और हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। मैंने बोला ठीक है नहीं लेना है प्रोडक्ट, आप लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही थी काश उस दिन चला जाता वो, नहीं लेता पैसे, लेकिन मेरे पैसे जाने थे ना, इसलिए फिर वो मान गया, बोला ठीक है आप पेमेंट कर दो, ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो। मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया, वो गया। जैसे ही मैंने अपना वो खोला ना पाउच, मेरा तो होश ही उड़ गया। मैंने बोला ये क्या है, अभी मेरे पास नहीं है कसम से, वरना मैं आपको दिखाती जरूर। मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था उसको पहन के किसी ने 2-4 बार पोछा मारा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था वो जो गोबर का कंडा नहीं बनाते, कंडा जो चूल्हा जलाते हैं गोबर का, गाय के भैंस का गोबर, उसको पहनकर वो बनाया गया। उसमें मतलब गोबर गोबर जैसा लगा था। मतलब मेरे जो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, ऐसे भी प्रोडक्ट कोई कपड़े ऐसे भेजता है क्या? मतलब 799 में वो भी 2 कुर्ता उन्होंने भेजे थे, सिर्फ कुर्ता ही, और इतने गंदे पूरे डर्टी स्टेन्स लगे हुए थे, और कलर कहीं का फेड कहीं का, मतलब धब्बे धब्बे बहुत ज़्यादा यूज्ड पुराना उन्होंने मुझे क्लोथ्स भेजा था। ऐसी साइट्स वालों ने, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं अलग अलग नेम की, आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि हर जगह आप ऑर्डर करने मत जाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस दिन पेमेंट कर दिया होता ना, ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट जब मैं प्रोडक्ट परचेस कर रही थी, तो हो सकता है कि वो मेरा प्रोडक्ट भी लेके नहीं आता। जो गंदा उसने मुझे डिलीवर किया वो पैसे लेके शायद कुछ करता और मेरा प्रोडक्ट भी मुझे नहीं देता। बट उसने कहीं ना कहीं से तो मुझे मेरी मारनी ही थी, तो उसने गंदा प्रोडक्ट भेजे और पैसे ले गए। उसके बाद मैं परेशान, मैंने बोला इसको अब मैं रिटर्न करूँगी। मैं वहाँ पर उसके साइट में गई, रिटर्न का ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, वहाँ कोई भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। बस एक ऑप्शन मिला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पूछताछ करनी है, तो आप इसमें ईमेल कर सकते हो, उनका ईमेल था। मैंने उसमें 10 ईमेल कर दिए, 10 से 12 ईमेल कर दिए, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं। थोड़े दिन बाद मैं हार मान के बैठ गई। मैंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, मतलब 3-3 कुर्तियों का 2 सेट ऑर्डर किया था, मतलब 799 एक का, 799 एक का, तो 2 प्रोडक्ट। फिर जब मैंने फर्स्ट जब मुझे रिसीव हुआ तभी मैंने कंप्लेन कर दी थी, तो सेकंड मेरे पास वापस आया भी नहीं, मतलब उन्होंने मुझे भेजा ही नहीं दूसरा जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था। मैंने बोला दूसरा आएगा ना तो कुछ ना कुछ तो बवाल करूंगी मैं, लेकिन उसमें डिलीवरी वाले की भी क्या प्रॉब्लम है, मतलब डिलीवरी वाले की भी क्या गलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकता है, उसे तो बस डिलीवरी का काम करना है। तो यहाँ पर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है इस तरीके से, आप देख पा रहे हो। और अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कुर्तियों का इस तरीके से आपको सेट दिख रहा है। कैन यू इमेजिन, इस तरीके की कुर्तियाँ आपको सिर्फ 700 रुपये में मिलेंगी, 799 में मिलेंगी। तो इस तरीके से आप फ्रॉड, मतलब इन तरीके की जो फ्रॉड होती है ना वेबसाइट, इनसे आप बचिए। आप इसके अंदर जाएंगे ना, ऐसे ऐसे कुर्ता सेट्स आपको देखने को मिलेंगे कि बस ऑर्डर कर देते हैं यार, इतने कम पैसे में क्या ही मिलेगा। लेकिन नहीं, आपको हमेशा अवेयर रहना है और इस तरीके की जो वेबसाइट होती है आपको इनसे बचना है। देख पा रहे हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर इस तरीके के सेल लगाकर आपको लूटा जा रहा है, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आपको बच के रहना है। अच्छा तो एक बात और, सब पे आप यही नहीं कि आप सब पे ही शक करने लगो कि ये अच्छी नहीं है या फिर ये अच्छी नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसी वेबसाइट भी देखी है जो रियल हैं,
जहाँ से आप सच में ऑर्डर कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी और ऐप का हमारे पास इंस्टॉल होती है, तो सिर्फ वही हमारे लाइक इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐड दिखता है, आपको यूट्यूब पे भी ऐसे ऐड दिख जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, बस उन्हीं से आप डायरेक्ट इस तरीके से कुछ भी ऑर्डर करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक IKEA करके, IKEA है या IKEA है कुछ ऐसा है, यहाँ पर इसको मैं देखती थी, इसका वेबसाइट है मेरे पास, तो इनका देखिए यहाँ पर सजेशन में ऐड आ रहा है। तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी क्योंकि इसका रिव्यू मैं पहले भी देख चुकी हूँ, लोगों के पास इसके प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, रिव्यू देखे हैं। तो ये एक मेरे पास अभी हाल ही में देखा था, इसलिए मुझे यूट्यूब पे इसका सजेशन आ रहा है ऐड में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर नायका का बहुत ज़्यादा देखती हूँ, नायका फैशन मेरे पास ऐप है जहाँ से मैं कपड़े मंगाती हूँ, तो उसका ऐड भी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, सारी ही ऐप जो वेबसाइट होती है वो फेक नहीं होती हैं, बट प्राइस में आप देख सकते हो ये नायका फैशन वाले की कितनी महंगी महंगी कुर्तियाँ हैं, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको है ना देखना है कि कौन सी चीज सच में फ्रॉड है, क्योंकि हो ही नहीं सकता इस तरीके की महंगाई के ज़माने में आपको इतने कम पैसे में कोई कुछ नहीं देगा, अगर देगा भी तो उसके साथ कोई ना कोई खोट या प्रॉब्लम जरूर होगी। तो ये आपको दिमाग में लगाना है, यूट्यूब पे अगली बार से स्क्रॉल करते टाइम कोई ऐड आए और आपको लगता है कि मैं इसे मंगा लूँ तो बहुत देख सुन के ही मंगाना, ठीक है। और बस मैं तो फंस गई, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मुझे पैसे रिटर्न भी नहीं मिले, ईमेल 10-12 किए, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और मुझे ये नहीं समझ में आता, यूट्यूब को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कौन रियल है कौन फेक है, मतलब हमारे साथ फ्रॉड हो जा रहा है तो इसके बारे में उनके साथ मतलब हमें शायद यूट्यूब को बताना चाहिए या फिर कुछ भी है कि इस तरीके की जो ऐप्स हैं, वेबसाइट का ऐड आप अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मत लगाइए, ताकि जो जिन्हें नहीं पता है उनके पैसे वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से यूट्यूब को कुछ करना चाहिए, सबको ही नहीं मतलब इतना वो कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने ही सोचा कि शायद हो सकता है इतना सस्ता मिल रहा है तो मिलेगा ही, तो बहुत सारे लोग सोच के ऐसे मंगा लेते होंगे, ऐसा होता है। कोई नहीं, अगली बार से आप ध्यान रखना, अगर YouTube चलाते हैं आप तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और शॉपिंग करने की हम लड़कियां हमेशा एक्साइटेड रहती हैं, कम चीज़ों में चीज़ें मिल जाएं, बस और क्या चाहिए, तो ये देखकर कई बार हम ठग लिए जाते हैं, बट कोई नहीं। यही रहा आज का मेरा ये वीडियो, एंड और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।